हेलो बच्चों, मैं हूं आरके सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ट्रांसेंड फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुलाम्स लॉ। लेकिन कुलाम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्लास 11 का एक और बहुत ही बेसिक लॉ पे थोड़ा सा बहस कर लेते हैं और वो है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लगाने से पहले एक एजम्पशंस पे बहुत ही खास तरीके से हम लोग फोकस करते हैं। और वो एजम्पशंस क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स बाबा कहते हैं कि अगर आप दो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स को निकालना चाहते हो, एक मास दूसरे मास पे कितना लगा रहा है या दूसरा पहले पे कितना लगा रहा है, तो पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि ये दोनों मासेस पॉइंट मास है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर ध्यान से देखो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड फॉर पॉइंट मास। तब तो आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मास के लिए वैलिड है तब तो फिर ये काम नहीं करना चाहिए बिटवीन सन एंड अर्थ, क्योंकि सन और अर्थ में ना तो आप सन को पॉइंट मास कह सकते हो ना तो अर्थ को पॉइंट मास कह सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम में इस गेम को ऑब्जर्व करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, अगर आप किसी को बोलते हो कि ये कार एक पॉइंट मास है या पॉइंट साइज कार है तो कोई भी आपकी बात को नहीं मानेगा। ठीक है, आप अपने गार्जियन को ही बोलते हो कि पापा देखो ये पॉइंट साइज कार है, पापा बोलेंगे बेटा बहुत फिजिक्स पढ़ लिया अब चलो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कार जो आपके घर के बाहर है आपके घर के रेफरेंस में भले ही पॉइंट साइज ना लग रहा हो, लेकिन आप सोचो उसी कार को अगर आप किसी मैप के गूगल मैप में ट्रेस करते हो किसी शहर के अंदर, तो वही कार उस शहर के रेफरेंस में एक पॉइंट साइज महसूस होने लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जिस अर्थ और सन को पॉइंट साइज नहीं मान रहे हो तो वो भी आपको पॉइंट साइज लग सकता है, बस आपको ये देखना है कि आप किस फ्रेम में बात कर रहे हो। अगर आप सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को लेते हो तो ये लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, उस कंपैरिजन में अर्थ का साइज को तो आप नेगलेक्ट कर ही सकते हो, उस कंपैरिजन में आप सन के साइज को भी नेगलिजिबल मान ही सकते हो। ठीक है, तो आप ये डिपेंड करता है, आप सोलर सिस्टम में अगर कोई बोलेगा कि अर्थ कितना बड़ा साइज का है, अगर आपका ये पूरा बोल सोलर सिस्टम है तो अर्थ को रिप्रेजेंट करो तो ये पॉइंट साइज जैसा अर्थ आपको नजर आ सकता है। तो ये फ्रेम के ऊपर है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर आप न्यूटन्स लॉ लगाना चाहते हो तो पहला आपको एक बहुत ही बेसिक ये मानना पड़ेगा कि न्यूटन्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। सिमिलरली अगर आप कूलम्ब्स लॉ लगाना चाहते हो दो चार्ज के बीच में, ठीक है, तो अगर एक चार्ज हमारा है Q1 और एक चार्ज हमारा Q2, और अगर आप ये कोशिश कर रहे हो निकालने का कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा है या ये इस पे कितना या ये इस पे कितना, वो बाद में लोग बात कर लेंगे, तो एक दो चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस लगाने से पहले ये जानना होगा कि ये दोनों चार्जेस पॉइंट साइज होने चाहिए। सो कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। अब आप बोलोगे कि सर ये चार्ज को आप पॉइंट साइज कैसे मान सकते हो, आप एज्यूम करो कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू चार्जेस, अगर इन दोनों चार्जेस का बीच का जो डिस्टेंस है वो साइज ऑफ द स्पेस के कंपैरिजन में जिसमें चार्ज है या कोई भी बॉडी के कंपैरिजन में अगर ये डिस्टेंस इसके डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप इन दोनों चार्ज बॉडी को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो, तब आप यहां पे जाके ठीक है कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कूलम्ब्स लॉ जहां तक नहीं लग सकता, कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड है पॉइंट चार्ज में, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप इतना तो हम लोग समझ गए कि कूलम्ब्स लॉ लगाने के लिए चार्जेस का पॉइंट साइज होना जरूरी है, और ये पॉइंट साइज कब हो सकता है डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम में गेम को ऑब्जर्व करो। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ठीक है सर ये तो हम समझ गए ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, हो सकता है दोनों में दोस्ती हो सकता है दोनों में दुश्मनी हो, ये डिपेंड करता है कि चार्ज का साइन कैसा है। लेकिन सवाल ये पूछता है कि ये चार्ज इस चार्ज पे कैसे फोर्स लगाता है, तो हमेशा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप अर्थ को ही देखो। ठीक है, तो अगर ये मान लो कि अगर आपका अर्थ है ठीक है और ये आप हो, अगर मैं आपको पॉइंट साइज इंडिकेट करता हूं और ये अर्थ का सेंटर ऑफ मास को अगर यहां पे मानते हो ये पॉइंट साइज है, तो हमेशा अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करता है कि नहीं, और आप अगर यहां पे भी कोई बंदा है तो इसको भी हमेशा इधर की तरफ ही अट्रैक्ट करता है, मतलब कि हमेशा इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आप बात करोगे तो ये पॉइंट हमेशा दूसरे पॉइंट को अपने लाइन सेंटर के अराउंड ही
अट्रैक्ट करता है। इसलिए कभी कभी हम लोग इन फोर्सेस को सेंट्रल फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा ये फोर्सेस सेंटर टू सेंटर लगते हैं। तो आप ध्यान से देखना, ये जो फोर्स है यानी ये जो अर्थ है हमेशा इस पॉइंट साइज पे हमेशा इस पॉइंट के अलोंग फोर्स लग रहा है। अब आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों के सेंटर को एक पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, और इन दोनों के सेंटर वाली लाइन को एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो देखो फोर्स हमेशा इसी लाइन में लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अर्थ इस गधेड़े को इधर धकेल के इधर कर दे रहा है और वो सीधा समझ में आ रहा है ना, बिल्डिंग से पुर्दा सीधा हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा अर्थ, अगर कोई वेलोसिटी इस गधेड़े में नहीं है तो अर्थ हमेशा उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे हमेशा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी इनर्शिया के कारण ये इधर उधर मूव कर सकता है। तो एक बात तो समझ में आ जाती है कि फोर्सेस हमेशा सेंटर टू सेंटर लगेगा। उसी तरह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पे हमेशा कैसा फोर्स लगाता है ना। तो देखो पहला बात ये समझना कि अगर ये चार्ज एक पॉइंट साइज की तरह आपने माना है और ये भी एक पॉइंट साइज की तरह माना है, तो हमेशा ये चार्ज इस चार्ज पे दो ही तरीके से फोर्स लगा सकता है, ठीक है। चाहे ये तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है, ठीक है। ये कभी ऐसा नहीं है कि तिरछा लगा दिया, इधर से गया, इधर लेटरल ये मारा, आप एकदम बिल्कुल समझो ये इसको चाहे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है। तो यानी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। तो दोनों के सेंटर से एक गुजरता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फोर्सेस हमेशा इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी ये चार्ज इस चार्ज पे हमेशा दो ही तरीके से फोर्स लगा सकता है, चाहे ये अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है, और ये चार्ज भी इस चार्ज पे हमेशा दो ही तरीके से फोर्स लगा सकता है, ये अट्रैक्ट भी कर सकता है या रिपल। ऐसा नहीं है कि ये इसको थोड़ा साइड किक दे दिया और खुश हो गया, ऐसा नहीं है। हमेशा चार्जेस हमेशा इस तरह एक्ट करते हैं कि वो जो लाइन है दोनों चार्जेस को ड्रॉ ज्वाइन कर रहे हैं उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स रहता है। तो फोर्सेज आर ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टिंग, ठीक है, ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अलोंग द लाइन, ठीक है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है फिर भी मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है। तो हमेशा तो दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कूलॉम्ब्स लॉ को वैलिड करना चाहते हो तो कूलॉम्ब्स लॉ की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि कूलॉम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फोर्सेस जो हमेशा दो चार्ज के बीच में लगते हैं वो हमेशा किस तरह से लगते हैं, तो ये चार्ज हमेशा इस चार्ज को चाहे तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। तो अगर दो चार्ज है आपके पास तो ये चार्ज इस चार्ज को चाहे इसी लाइन में लगेगा या इधर लगेगा, ठीक है, और अगर ये चार्ज इस चार्ज को लगाएगा तो इधर या इधर, ये डिपेंड करता है कि अट्रैक्शन है या रिपल्सन। तो फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि कूलॉम्ब्स लॉ एक्चुअली में क्या है, तो हम लोग इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और आप एकदम पेशेंस रखेंगे, तीन इस पूरे गेम को हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखो तो क्या कहता था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर आपके पास दो मासेस है M1 और M2, है ना, अगर दो मासेस है M1 और M2, तो अगर और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, फिलहाल मानते हैं कि r कांस्टेंट है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, है ना। और ये एक्सपेरिमेंट कैवेंडिश साहब ने किया था, न्यूटन उसी से वो डिराइव है। यहां पर भी ये सेवरल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं परफॉर्म और उससे ये पता चला है कि जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, तो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, हमेशा फोर्स जो है चार्जेस के प्रोडक्ट के ही प्रोपोर्शनल है। मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं, इसलिए मैं साइन ऑफ द चार्जेस अभी फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्ब्स लॉ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक आइडिया डेवलप कर रहे हैं, तो फोर्स जो है वो हमेशा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट में ही लगेगा। अगर मान लीजिए कि ये 2 कूलॉम्ब है, ये 3 कूलॉम्ब है, तो हमेशा जो फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी होगी। अच्छा एक और चीज, इस लॉ को वैलिड हमने तब माना है जब आर को कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, फोर्स हमेशा इसी के प्रोपोर्शनल है। अगर आर आप चेंज करोगे तो फोर्स चेंज हो सकता है, लेकिन अगर चार्जेस आप यहाँ पे बदलते रहते हो और आर को आप कांस्टेंट रखो तो फोर्स हमेशा इन्हीं दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये 3+2 ऐड नहीं कर सकते आप, Q1+Q2 नहीं कर सकते, Q1-Q2 नहीं कर सकते, Q2/Q1 या Q1/Q2 नहीं कर सकते, हमेशा फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। हाँ, इस पे भी बेसिक सवाल आता है, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, इस लॉ को लगाने से पहले हमने ये मान लिया था कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस
इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो ये फॉर्मूला तब वैलिड है दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दो दो पॉइंट लिया हुआ है, अगर इन दोनों के वैल्यूज चेंज करो, आर आर अपने आर को चेंज नहीं किया है, तो हमेशा फोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। आप जैसे इस पे एक बेसिक सवाल समझ सकते हो, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एकदम बेसिक है, ठीक है, जीरो लेवल सवाल है, तो इस सवाल को आप समझ सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पास 10 कूलम्ब चार्ज है, किसी ने ऐसा सवाल पूछा, ठीक है, और यू हैव टू डिवाइड दिस 10 कूलम्ब चार्ज इन सच अ मैनर दैट द फोर्स बिटवीन टू बॉडी, ठीक है, आपके पास दो बॉडी है ए और बी, और डिस्टेंस फिक्स रखना है मुझे दोनों बॉडी के बीच में, आपको इस 10 कूलम्ब चार्ज को इन दोनों बॉडी के बीच में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप इस 10 कूलम्ब चार्ज को इन दोनों बॉडी के बीच में कैसे डिवाइड करेंगे कि फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम, है ना, तो यही मुझे देखना है। तो आप सोचो इस 10 कूलम्ब को डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो हम एक बेसिक आइडिया लेके चलते हैं। मान लीजिए कि हमने ए और बी को चार्जेस डिवाइड करना शुरू किया और फोर्स प्रोपोर्शनलिटी में देखेंगे हम लोग, तो प्रोपोर्शनलिटी को एक वैल्यू असाइन करके हम लोग समझते हैं। तो मान लो आप पहला क्या कर सकते हो कि ए को कुछ भी नहीं दे सकते हो, ठीक है, या ए को कुछ भी नहीं दे सकते हो, बी को आप 10 दे सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आपने ए को कुछ भी नहीं दिया, बी को 10 दिया, तो फोर्स जो है वो जीरो के प्रोपोर्शनल है, है ना। दूसरा आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि ए को आपने कुछ भी नहीं दिया, 1 दे दिया, बी को 9 दे दिया, तो आप देखो फोर्स जो है वो 9 हो गया, मतलब फोर्स बढ़ा। आप और दूसरा चीज देखोगे कि आपने जब इसको 2 दिया और इसको 8 दिया, तो देखो ये 16 हो गया। तो आप ऑब्जर्व करोगे जैसे जैसे चार्जेस बढ़ रहा है, उसी तरह से आप 3 दोगे, ये 7 दोगे, तो ये 21 हो जाएगा, 4 दोगे इसको, 8 दोगे तो, ठीक है, सॉरी 4 दोगे, 6 दोगे, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। और आप ऑब्जर्व करोगे ये वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कब तक ये वैल्यू बढ़ेगा, क्या ये लगातार बढ़ाते बढ़ाते 4 के बाद 5, 6, फिर आप फंस जाओगे। जैसे ही आप इसको 6 दोगे, ध्यान से आपने इधर 6 दिया, इधर 4 हो गया, ये वैल्यू तो फिर से 24 हो गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 4 जैसे ही आपने दिया है, ये वैल्यू फिर से वही हो गया। तो हम लोग कहां पे थे, तो मैंने आपको बताया कि हम लोग जब चार्ज को डिवाइड किए, तो देखो हम लोगों ने इसको 0 दिया, इसको 10 दिया, तो 0 हो गया, इसको 1 दिया, इसको 9 दिया, तो 9 हो गया, इसको 2 दिया, इसको 8 दिया, तो 16 हो गया, इसको 3 दिया, इसको 7 दिया, तो 21, 4, 6, 24, और 6, 4, अगर हम इसको फिर देखो, आप ध्यान से देखो, हम इसको बढ़ाते जा रहे थे इधर चार्ज, तो ये फोर्स तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन आप सोचो क्या फिर बढ़ाएंगे, एक अगर इसको आप 5 दोगे और इसको भी 5 दोगे, तो ये 25 हो जाएगा, यानी यहां तक तो जाके आपका फोर्स बढ़ा। तो आपने जैसे ही इसमें चार्जेस बढ़ाया है, फोर्स तो बढ़ रहा था, लेकिन आप एक चीज ध्यान देना, इधर चार्ज बढ़ाने का मतलब ये नहीं था कि इधर चार्ज कांस्टेंट था, इधर चार्ज तो लगातार घटता जा रहा था, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब दोनों में इक्वली चार्ज डिवाइड हुआ है, ध्यान से देखिए, और वो वाला सिचुएशन खास है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज मैक्सिमम है, यहाँ पे देखिए 25। लेकिन अगर आप सोचो कि अब थोड़ा सा इसमें और, अगर मान लीजिए कि हमने इसको 6 कूलम्ब दिया, तो इसके पास 4 आ गया, आप ऑब्जर्व करो कि 4 और 6 का जो प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज होगा, या 6 और 4 का होगा, वो तो हमेशा सेम होगा, मतलब कि कभी भी ये प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज में कभी मैटर ही नहीं करता कि ए के पास कितना है और बी के पास कितना है, ए कितना लिया है, बी कितना लिया है, या ए के पास 4 है, या बी के पास 6 है, या फिर 6 और 4 हो, हमेशा इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा सेम होगा, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज मैक्सिमम कब आ रहा है, जब इन दोनों बॉडी में, ठीक है, आप देखो 6 और 4 लोगे तो फिर 24, तो देखो आपने ध्यान दिया कि अगर फिर से हम देख रहे हैं तो फिर से फोर्स तो घटने लगा लगातार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 10 कूलम्ब चार्ज को डिवाइड करना है इन सच अ मैनर दैट फोर्स बिटवीन ए एंड बी मैक्सिमम हो, तो आपको ए को भी 5 कूलम्ब चार्ज देना होगा और बी को भी आपको 5 कूलम्ब चार्ज देना होगा, है ना। तो अगर आपने ए को भी 5 कूलम्ब चार्ज दे दिया और बी को भी 5 कूलम्ब चार्ज दिया, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा, जो भी आएगा वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो आपने एक चीज ध्यान दिया, तो इसे हम लोग ट्रिक टाइप का भी बना सकते हैं कि अगर आपको किसी ने बोला कि अगर हमको 10 कूलम्ब चार्ज है, तो इसको दो बॉडी में डिवाइड कीजिए कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो आपको क्या करना है, दोनों बॉडी में इक्वली डिवाइड कर दीजिए 5 और 5, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वही आपको मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू दे सकता है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी में। फिलहाल अगर आप सोचे कि अगर आपको किसी ने कहा कि अच्छा ठीक है हम क्यू चार्ज को डिवाइड करना चाहते हैं, तो बताइए इस क्यू चार्ज को दो बॉडी में कैसे डिवाइड करें कि दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो मैक्सिमम लगे। तो इसको भी डिवाइड करने का क्या तरीका है, आप एक को क्यू बाई टू दे दीजिए, दूसरे को क्यू बाई टू दे दीजिए, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो प्रोपोर्शनल टू
क्यू बाई टू और क्यू बाई टू, यानी कि फोर्स अगर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फोर्स हमेशा इसी सिचुएशन में मैक्सिमम हो सकता है। और इस बात पे ध्यान देंगे कि हमने आर और ये कॉन्स्टेंट मान के चला हुआ है। लेकिन अब हम लोग इस बेसिक पर, तो हम लोगों ने एक बात तो समझ लिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, और इस पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स इस पे करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरा कूलॉम लॉ को फिर बाद में हम लोग पूरे गेम को समराइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हाँ, तो और दूसरा सवाल हमारा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज पर किस तरह का आ सकता है। तो देखो, अभी हम लोग जो हमने डिस्कस किया है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर, ठीक है, चार्जेस। तो इसमें और किस तरह के सवाल हमारे आ सकते हैं। एक और सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है जो जेई मेंस में भी पूछा जा चुका है, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। जैसे एक सवाल है, तीन आइडेंटिकल स्फीयर्स है हमारे पास, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, तीन आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स है, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या हमारा, तीन आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स है, ठीक है, और इनिशियली इसमें चार्ज क्यू है, इसमें भी चार्ज क्यू है, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं है, सी में कोई भी चार्ज नहीं है इनिशियल, ठीक है। और ये दिया हुआ था कि फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, फोर्स बिटवीन ए एंड बी हमारा दिया हुआ था एफ, ठीक है, ये दिया हुआ था, फोर्स बिटवीन ए और बी हमारा कितना दिया हुआ है, एफ। अब सवाल क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सवाल ये था कि अगर फोर्स बिटवीन ए और बी इनिशियली एफ है, तब क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स व्हेन। अब सवाल ध्यान से सुनेंगे, जब सी को हमने पहले ए के साथ टच किया, फिर से सुने, सी को पहले हमने ए के साथ टच किया, फिर उसी सी को ए से अलग करके फिर बी के साथ टच किया, ठीक है। तो देखिए, पहले हमने सी को किसके साथ टच किया, ए को, ठीक है, उसके बाद सी को फिर ए से अलग करके फिर सी को हमने किसके साथ टच किया, बी के साथ, एंड देन आफ्टर फिर पूछा गया कि नाउ व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी, और वो आंसर आपको एफ के टर्म में देना था, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि अब इसमें हम लोग कैसे सोचेंगे। तो आप जरा ध्यान से देखो, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप इन दोनों चार्जेस के बीच की बात करते हो, एक चीज और ध्यान दो, अगर कुछ और नहीं दिया हुआ था, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए और बी फिक्स है, तो हम लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला को लगा ही सकते थे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा था। तो अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो हम लोग क्या लिख सकते थे, फोर्स इज इक्वल टू एफ, ए और बी के बीच का जो हम ए और बी के बीच में फोर्स लिख रहे हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू, तो हम लोग लिख सकते थे क्यू स्क्वायर, या प्रोपोर्शनल भी लगा सकते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट दे सकते हैं हम लोग, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, ये हमारा तब है इनिशियली। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, बी सी को ए के साथ टच किया। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो आफ्टर आफ्टर, ठीक है, सी को ए के साथ टच करने के बाद क्या कितना क्या होगा, तो आफ्टर, ठीक है, सी और ए के साथ टच करने के बाद क्या होगा, तो जब हम सी को ए के साथ टच करेंगे तो आप जरा ध्यान से देखो, ए और सी में कंडक्शन के तहत दोनों में इक्वली चार्ज डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स, अगर दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स है तो दोनों में चार्ज इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो देखो, तो इन दोनों को अगर हम लाएंगे ए और सी को, तो टोटल चार्ज कितना है, तो ए का चार्ज है क्यू और सी का चार्ज है जीरो, तो टोटल चार्ज अवेलेबल बिटवीन ए एंड सी इज क्यू, और ये टोटल चार्ज है नेट चार्ज, ठीक है, नेट, ठीक है, साइन के साथ इन चार्जेस को हम लोग ऐड करते हैं, हम लोगों ने कंडक्शन में पढ़ा हुआ है चीज, नेट चार्ज हो गया क्यू। अब ये क्यू चार्ज ही दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, तो आफ्टर, ठीक है, सी और ए को जब हम एक दूसरे से अलग करेंगे तो जो नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा इसमें ए में मुझे मिलेगा q बाई टू और c में मुझे मिलेगा q बाई टू, लेकिन b में अभी फिलहाल q ही रहेगा, ठीक है। लेकिन सवाल यहां ये नहीं था, हमारा सवाल अगला क्या था कि उसके बाद फिर c को हमने b के साथ टच किया, फिर हमने c को किसके साथ टच किया, b के साथ, उसके बाद मुझे बताना था कि ए और b के बीच में नया फोर्स क्या होगा, है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग c और b के बीच में बात करेंगे तो आप ध्यान से रखो, c में अब कितना चार्ज हमारे पास q बाई टू और b में कितना चार्ज है q, अगर हम q बाई टू को q के साथ टच करते हैं तो नेट चार्ज बिटवीन c एंड b अब कितना हो गया, तो 3q बाई टू, हमारा ये c और b के बीच में नेट चार्ज हो गया 3q बाई टू। अब यही चार्ज इन दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है, तो जो आप c, जब c और b को फिर हम लोग सेपरेट करेंगे तो जो नया चार्ज कॉन्फिगरेशन इन तीनों में मिलेगा, इसमें मुझे मिलेगा q बाई टू, इसमें कितना होगा, ये 3q बाई टू नेट चार्ज है, उसका 1/2 होगा,
थ्री क्यू बाई फोर और इसमें कितना होगा, थ्री क्यू बाई फोर। तो ये हमारा नया चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आ गया है ए बी और सी, ठीक है। और ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आया है, ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस जो कंडक्शन मेथड है उसके अंदर है। अगर ये चार्ज, यहाँ पे एक और चीज ध्यान देंगे, ये चूंकि स्फीयर आइडेंटिकल थे, कैपेसिटर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर स्फीयर नॉन आइडेंटिकल होंगे तो यही गेम बिल्कुल अलग हो सकता था, ठीक है। सो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा गेम हो गया। अब मेरा अगला टारगेट ये था कि अब इस पूरे प्रोसेस के बाद, ठीक है, सी को हमने ए के साथ भी टच कर दिया भाई, सी को बी के साथ भी टच कर दिया, फिर अलग भी कर दिया, अब मुझे बताना है कि इन दोनों के बीच में नया फोर्स क्या है। सो लेट व्हाट विल बी द न्यू फोर्स एफ। तो अब बताओ जो नया फोर्स हमारा आएगा बिटवीन ए और बी, लेट दैट बी एफ डैश। अब वो एफ डैश हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान से देखो। तो एफ डैश प्रोपोर्शनल साइन ही है, ठीक है। तो एफ डैश, अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, तो ध्यान से देखो, q by 2 into 3 q by 4 and I hope this value is coming out to be 3 by 8 q square, है ना। तो आप एक बात तो समझ गए कि नया जो फोर्स है वो 3 by 8 times of q square, जबकि q square proportional to f है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि f dash जो है, ध्यान से देखिए, q square है, ये भी q square, अगर आप इन दोनों को ratios को divide भी करते हैं तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वैल्यू मिलेगा f by f dash, है ना। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो प्रोपोर्शनल में जो भी रहेगा वो तो कॉमन है सबका, वो कैंसिल होके q square और q square भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ऊपर में बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचेगा 3 by 8, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशंस को जरा ध्यान से देखोगे तो आप ऐसा भी ऊपर भी ले जाओगे, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सो एफ डैश इज इक्वल टू 3 by 8 टाइम्स ऑफ f, मतलब न्यू फोर्स विल बी 3 by 8 टाइम्स ऑफ f। अगर इस तरह के और भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल कंडक्शन मेथड को ध्यान से देखें और आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, एकदम क्लियर हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सवाल को बना सकते हैं। और एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने जो चार्जेस लिया वो सिंपल एडिशन नहीं है, वो नेट चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं तो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। तो एक सवाल आप अभी और ट्राई कर सकते हैं, मान लीजिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो उसी तरह का एक सवाल और आप ट्राई कीजिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, बन जाए तो बहुत ही आसान सवाल है, बेसिक लेवल का सवाल है, बन जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास थ्री आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं ए बी सी, ठीक है। तीनों में चार्जेस अलग अलग है, हम जैसे कुछ भी गेम समझ सकते हैं। लेट चार्जेस इज हेयर क्यू, हेयर टू क्यू एंड हेयर, मान लेते हैं दिस इज माइनस थ्री क्यू, ठीक है। ये हमारा नेट चार्ज है तीनों में, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि फोर्स बिटवीन ए एंड सी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फिर से ध्यान देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। फोर्स बिटवीन ए और सी हमारा एफ दिया हुआ है, ठीक है। ये इनिशियली इन तीनों में चार्जेस इनिशियली ये थे, फोर्स जो था हमारा एफ है, ठीक है। अब सवाल को ध्यान से सुने, उसके बाद हमने क्या किया, ए को बी के साथ टच किया और जिस डिस्टेंस पे थे फिर तीनों को सेपरेट कर दिया। एक चीज और ध्यान रखेंगे, इस पूरे गेम में हम चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन रखेंगे, बस शुरू में ए और बी को एक दूसरे के क्लोज लाए, कॉन्टेक्ट में लाए, टच किए और फिर एक दूसरे से अलग कर दिए। फिर तो पहले हमने क्या किया, ध्यान से सुने, ए और बी को टच किया और फिर सेपरेट कर दिया। देन आफ्टर फिर हमने क्या किया, बी और सी को टच किया और फिर सेपरेट कर दिया। अब बताइए कि ए और सी के बीच में न्यू फोर्स कितना होगा, ठीक है, ऐसा भी सवाल है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, अगर आप ए और बी के बारे में बात सोचेंगे तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, सॉरी ए एंड सी, न्यू फोर्स आपको निकालना है ए और सी के बीच में, ठीक है ना। तो यही हमारा सवाल है, आप जरा ध्यान से देखेंगे। तो ए और बी, जब हमने ए और बी को टच किया तो देखते हैं क्या होगा। तो ए में चार्ज था क्यू और बी में चार्ज था टू क्यू, है ना। तो ए में चार्ज था क्यू और बी में चार्ज था टू क्यू, तो इन दोनों को जैसे टच किए तो कंडक्शन मेथड हम लोग लगाएंगे, तो नेट चार्ज इन दोनों में मिला के कितना हो गया ए और बी में, तो नेट चार्ज अवेलेबल बिटवीन ए एंड बी इज 3q, और यही 3q इक्वली डिवाइड होगा। तो ए और बी को जब हम सेपरेट करेंगे तो इसमें चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 3q बाई 2 और इसमें भी चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 3q बाई 2, ठीक है। तो ए और बी को टप टच करके हमने सेपरेट किया और तो चार्ज की वैल्यू होगी 3q बाई 2, अभी भी इसमें माइनस 3 को चार्ज रहेगा। देन आफ्टर फिर हमने क्या किया, अब हमारा अगला प्रोसेस है बी और सी का। अगर आप बी और सी को ऑब्जर्व करें तो जब हम बी और सी को एक दूसरे के साथ टच करके अलग करेंगे तो नेट चार्ज कितना है। तो अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो बी और सी के बीच में जो नेट चार्ज है वो आप निकाल सकते हैं, माइनस 3q प्लस 3 बाई 2, ठीक है। तो नेट चार्ज
अवेलेबल बिटवीन देम इज -3q + 3q/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देखो -6, ठीक है, ये ऑब्वियस ही बात है -3q/2 आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस वैल्यू इज -3q/2, तो नेट चार्ज है। अब यही चार्ज हाँ, तो ये हमारा यहाँ पे चार्ज हो गया -3q/4, यहाँ पे -3q/4 और यहाँ पे चार्ज हो गया हमारा 3q/2, ठीक है। तो अब हमें निकालना है फोर्स बिटवीन ए और सी। तो आप ध्यान से देखो, तो हमारा पहले फोर्स बिटवीन ए और सी था प्रोपोर्शनल टू क्यू और 3q का प्रोडक्ट था, तो 3q2। अब हमारा जो फोर्स होगा वो होगा फोर्स बिटवीन ए और सी, नया फोर्स एफ डैश हम लोग कह सकते हैं, वो इसका प्रोडक्ट होगा, है ना। प्रोपोर्शनल में भी जा सकते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पे आर वगैरह सब कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं, तो 3q/2, ठीक है। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल है तो आप आर को कॉन्स्टेंट मान के ही चलेंगे, जब आर नहीं दिया हुआ तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो 3q/2 और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 3q/4। एक और चीज आप ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस साइन को अभी फिलहाल इग्नोर किया है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा सोचोगे तो आपको एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जब शुरू में ये भी प्लस था ये माइनस था, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन था, ठीक है। और हम लोग वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगले वीडियोस में बात कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये भी प्लस था और ये भी माइनस था, तो यहाँ भी अट्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ भी जो नेचर ऑफ द फोर्स है वो अट्रैक्शन है, ठीक है। अगर खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखो अगर आप जरा ध्यान से देखोगे, तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये हो गया हमारा 3 × 3 q² / 8, है ना। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 3q² हमारा प्रोपोर्शनल टू f है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो 3q² का जो वैल्यू हो जाएगा वो f के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये f डैश की जो वैल्यू होगी हमारा f डैश ac = 3f/a। ये बड़ा इत्तेफाक का बात है कि पिछला सवाल में भी यही वैल्यू है और इस सवाल में भी यही वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही वैल्यू हमारे सवाल में होगा, ठीक है। ये बाई लक वैसे ही सवाल वैसे ही एकदम आंसर मैच कर गया, ठीक है। तो खैर, तो ये हमारा हो गया f डैश, यानी कि जो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा a और c के बीच में वो 3 × 3/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह के कुछ सवाल आपको आ सकते हैं। तो ध्यान देखो प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज पे भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, हमने प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज का कंसेप्ट तब यूज किया जब हमने ये माना था कि आर कॉन्स्टेंट है, मीडियम वगैरह कॉन्स्टेंट है। एकदम टेंशन नहीं लेना, हम लोग सब चीज एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।